starting with a new subject, that is organization of commerce. And in organization of commerce, we'll be studying about many things. It is a new subject altogether, especially to 10th standard students. So it is not a difficult topic at all. As you can see that many things have already been repeated, like Make in India, Export Import, World Bank, NABARD, Indian Railways, RBI. So it's not difficult, nahi hai. It is simple. If you pay attention, it is very simple. This is also an entirely different subject, and it has no option. It is a compulsory subject. So you have to pay attention in order to understand what is going on. सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि चैप्टर के इंडेक्स को हमने उस दिन ही कवर किया था, फिर भी एक और बार कवर कर लेते हैं। पहला चैप्टर में कॉमर्स और बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा, कॉमर्स क्या होता है और बिजनेस क्या होता है करके। बिजनेस का मीनिंग एकदम सिंपल है, व्हेनेवर यू आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड यू आर मेकिंग प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस। कॉमर्स का मतलब हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, बहुत बड़ा टर्म है तो इतना कुछ गाई नहीं है। वी हैव द एंटायर ईयर इन ओसी, वील अंडरस्टैंड द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ कॉमर्स। फिर ट्रेड तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ट्रेड का, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस में आएगा, ट्रेड में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वील जम्प टू आर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। सबसे पहले एक छोटा सा ये दिया हुआ है, रोल प्ले दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि ये रोल प्ले से हमें क्या समझ में आता है करके। रोल प्ले में चार लोग का नाम है, मयूरी, नेहा, राजेश, शर्मी और गौतम। ओके, तो ये लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, दे वर चैटिंग विद ईच अदर। उतने में मिसेस देशमुख जो काउंसलर है वो क्लास के अंदर आती है अचानक से, और वहाँ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होता है। तो ये क्लासरूम के अंदर ये लोग बात कर रहे थे सब लोग बैठ के, तो अचानक से ये जो मिसेस देशमुख है ये मैडम आ जाती है अंदर और क्वेश्चन करती है, डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एसएससी प्रिपरेशन योर मदर सर्व टी और कॉफी। ओके, मतलब जब भी हम लोग घर पे रहते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो मम्मी क्या करती है, टी या कॉफी बना के देती है, बराबर। तो सब लोग ने यस करके आंसर दिया। तो अभी यहाँ पे मिसेस देशमुख ने क्वेश्चन पूछा कि अभी बताओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फर्क है। ध्यान दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फर्क है। तो देखो, इतना सिंपल लोग ने एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है। वापिस से हम लोग एग्जाम्पल क्या करेंगे, एक बार देखेंगे क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में, कि क्लास के अंदर ये लोग बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, अचानक से ये मैडम आई और मैडम क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है कि अपने घर पे टी और कॉफी पिया रहेगा, मम्मी जो देती है। तो सब लोगों ने यस करके आंसर दिया, और बाहर भी आप लोगों ने खाना खाया रहेगा कैंटीन वगैरह में, तो उसको भी यस करके सब लोगों ने आंसर किया। तब ये दोनों में इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले हमें समझना है कि इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब कोई भी एकदम बड़ा चीज नहीं। हमेशा जब भी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि कुछ बड़ा सा वर्ड आ गया ना, तो उनको लगता है कि अरे ये क्या आ गया करके, अब ये तो मेरे को नहीं समझेगा, तो उधर ही वो लोग अटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब है कि जब भी रिटर्न में पैसा मिलता है, हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें पैसा मिलता है, या फिर सामने वाले को पैसा मिल रहा है, तो उसे कहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी मीन्स यू डू नॉट गेट मनी इन रिटर्न। व्हेन यू डू नॉट गेट मनी इन रिटर्न, इट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी जब भी घर पे मम्मी चाय बनाती है, तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसा नहीं देना होता है। इन द सेम थिंग, व्हेन यू आर ईटिंग आउटसाइड यू हैव टू गिव मनी। अगर पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली आप कुछ बाहर खरीदोगे ही नहीं, है कि नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा लोगों ने कवर किया कि उसका, नेहा बोलती है कि उसका ऑपोजिट क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये एग्जांपल कवर हो गया। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देख के भी डरना नहीं है और थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ये सबके साथ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है या फिर तुम लोग के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। ये सबके साथ होता है कि 11th में आते ही सब कुछ नया लगता है और बच्चे थोड़ा
टेंस्ड हो जाते हैं कि ये मेरे से होगा ये मेरे से नहीं होगा, तो अगर ध्यान दोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो उन लोग ने क्या किया हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसका उन्होंने एक चार्ट बना दिया। चार्ट में क्या मेंशन किया है, इकोनॉमी एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी उन लोग ने मेंशन किया है। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हमें पहले से पता है बराबर, जैसे कि अगर हम लोग घर पे कुछ खाना बना के खा रहे हैं तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो गया। यही जब भी हम लोग बाहर जाके खाते हैं वो क्या हो गया, इकोनॉमी एक्टिविटी हो गया। और तो हम लोग नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के सिर्फ 3 लाइन का है, दिखाई दे रहा है नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी का सिर्फ 3 लाइन बुक में कवर किया हुआ है। वी विल स्टडी, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन इकोनॉमी एक्टिविटीज, ये जो है ना इकोनॉमी एक्टिविटीज, इसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले। देखो इकोनॉमी एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहला क्या आता है, बिजनेस आता है बराबर। तो बिजनेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है इतना, ओके पूरा बिजनेस को लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बिजनेस का क्या मतलब है, बिजनेस में क्या क्या आता है, क्या क्या गुड्स है। फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन एक अलग पॉइंट है। सबसे पहला कौन सा पॉइंट आता है, बिजनेस आता है, उसके बाद क्या आता है, प्रोफेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। तो बिजनेस का मैंने तुमको अभी अभी दिखाया, अभी प्रोफेशन कितना बड़ा है वो दिखाने जा रहा हूँ। देखो प्रोफेशन यहाँ से स्टार्ट होके वहीं पे खत्म हो जाता है पेज नंबर 4 में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितना पॉइंट्स का है, टोटल 8-7 पॉइंट्स का एम्प्लॉयमेंट है। फिर बाद में दूसरा एक छोटा सा चालू हो जाता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसमें इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज के दिन में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर है और बहुत दिन के बाद बुक हाथ में लिया है। 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम मार्च में दिया था, अभी अभी जस्ट जस्ट ब्रशअप हो रहे हो तुम, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, जो हमें समझ में आएगा ऐसा चीज़ कवर करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। 1.1 इंट्रोडक्शन, ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जब भी लेक्चर चालू रहेगा पेंसिल और पेंसिल हाथ में रहना ही चाहिए, कि जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी मीनिंग में बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे करके साइड में लिखना है। ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। डेली बेस में हमारा कितने सारे नीड्स रहता है बराबर, ये नीड्स जो है हमारा मल्टीप्लाई होते रहता है, ये नीड्स हमारा डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। जैसे कि सुबह उठते ही ब्रश करना, फिर बाद में अपने आप को फ्रेश करना, फिर ब्रेकफास्ट करना, ये क्या हो गया हमारा डेली का नीड्स है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे ये कहा हुआ, यहाँ पे लोग ने ये मेंशन किया हुआ है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एक ही टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हमारा नीड कभी नहीं सेटिस्फाई होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जरूरत है। सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी एंड डू सम इकोनॉमी, डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ह्यूमन बींग्स जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरा लाइफ में वो लोग करते रहते हैं, दे आर एंगेज इन सम और द अदर एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। एक हाउस वाइफ जो है वो जब भी बाहर जाके ऑफिस में जाके जॉब करती है, तो उसे ऑफिस का जॉब क्या हो गया, इकोनॉमी एक्टिविटी हो गया, और जो घर पे वो काम कर रही है वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो गया बराबर। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहला दिया हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एकदम सिंपल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, और आंसर इन वन सेंटेंस में भी पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है करके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल सोशल रिलीजियस कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो, जैसे कि पर्सनल एक्टिविटीज हो गया, पर्सनल एक्टिविटीज इज लाइक रीडिंग अ बुक, टेकिंग अ बाथ, ओके टेकिंग अ वॉक, गोइंग फॉर जॉगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब क्या हो गया, पर्सनल एक्टिविटीज हो गया। इसका सब रिटर्न में हमें पैसा नहीं मिलता है, इसके लिए इसे किस में गिना जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिना जाता है। कोई भी सोशल इवेंट में जब हम लोग गैदर होते हैं, रिलीजियस प्लेस पे जब हम गैदर होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज जब हम लोग करते हैं, सेंटिमेंटल
सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट जिसमें भी है विदाउट मॉनिटरी, मॉनिटरी अंडरलाइन एंड राइट डाउन रिलेटेड टू मनी, मॉनिटरी अंडरलाइन एंड राइट डाउन रिलेटेड टू मनी विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल. सर्विंग पीपल ये घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है. कुकिंग बाय मदर, एकदम एग्जाम्पल एकदम ध्यान से देख लो क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है. रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, ये किसमें आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा. ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्यों आएगा? क्योंकि इसके रिटर्न में मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलता, इसके रिटर्न में पैसा नहीं मिलता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज